मेरा नाम आमिर अहमद भट्ट है। मैं विलेज दमहाल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का रहने वाला हूँ। मैंने 2012 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी एज ए सोल्जर, मतलब नॉर्मल जनरल ड्यूटी में मैंने ज्वाइन की थी। मुझे मौका मिला अपनी फायरिंग, जो हमारी डेली रूटीन में फायर चलता है, फायरिंग चलती है, ट्रेनिंग चलती है, उसके बाद उसमें मैंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमेशा मेरे फायर पहले से शूटिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा चला। आफ्टर दैट मुझे 2022 में मौका मिला, मेरे आपने जो यूनिट के मेरे सीओ सर थे उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप जाइए और आपने जो हुनर है आप उसको दिखाइए, पूरी दुनिया को दिखाइए। तब मेरे को 2022 में मेरे को पहली बार मौका मिला था आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट, जो कि मऊ इंदौर में प्रेजेंट है, वहाँ पे मुझे मौका मिला ट्रायल देने का। और वहाँ पे ट्रायल देने के बाद मैंने 3 महीने की मुझे टाइम दिया गया कि आप अपने आप को अपना हुनर दिखाइए, जो कि मैंने राइफल में दिया था पहले। और राइफल में ट्रायल देने ड्यू टू सम कंडीशन मुझे बताया गया कि फिर राइफल से स्विच करके आपको पिस्टल में जाना होगा। फिर मुझे फिर 3 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग का मौका मिला और 3 महीने के ट्रेनिंग के अंदर ही मैंने वहाँ पे ट्रायल्स दिए और वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे क्वालिफाई किया आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट। आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में हमारे पूरी देश की इंडियन आर्मी में से टोटल 100 या 120 शूटर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, जो कि अपनी आर्मी और नेशनल लेवल पे अपनी आर्मी और इंटरनेशनल पे अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वहां से मुझे पहली बार 2022 मार्च में मुझे मौका मिला था अपनी इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करने का नेशनल लेवल पे, जहां पे मैंने फर्स्ट सिल्वर मेडल हासिल किया था। और 2022 के नवंबर दिसंबर में मैंने दूसरा नेशनल खेला था, जहां पे मैंने एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। और आफ्टर दैट मैंने इंटरनेशनल डेब्यू के लिए मैंने ट्रायल्स दिए और फर्स्ट डेब्यू जो मेरा रहा है 2023, जो कि चैंगवांग साउथ कोरिया में मैंने पहला पहला इंटरनेशनल कंपटीशन खेला था, जिसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और एक पॉइंट की वजह से मेरा वहाँ पे ओलंपिक कोटा क्वालिफिकेशन रह गया था। आफ्टर दैट मैंने अभी तक अपने देश को बहुत सारे कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें चैंगवांग साउथ कोरिया, ओसीजैक, क्रोएशिया, लिमा पेरू, हांजुई चाइना, और अभी रिसेंटली मैं चाइना साउथ कोरिया से दोबारा आया, जहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। आपको बताना चाहता हूँ मेरे सारे नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी मेडल्स है, नियर अबाउट 10 to 12 मेडल, जो कि खाली विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 2 साल के अंदर ही है। और बात रही वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जो मैंने सितंबर 2023 में मैं खेला था लीमा पेरू में, वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल करके मैंने अपने देश के लिए कोटा हासिल किया था शूटिंग के लिहाज से। और रिसेंटली मेरा 12 मई से 20 मई तक जो फाइनल ओलंपिक ट्रायल्स रहे, और सभी आपकी पूरी परफॉर्मेंस देखकर अभी मेरा ओलंपिक्स में सिलेक्शन हुआ है, पेरिस ओलंपिक्स, जो कि 28 अगस्त से 8 सितंबर में होने वाला है पेरिस फ्रांस में। और यहाँ पे ये जो कड़ी मेहनत और माँ बाप की दुआएं, अपने घर का सपोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का सपोर्ट, जो कि हमारे खासकर नुसरत गुल मैम सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की, उनका सपोर्ट रहा, और खासकर अपनी इंडियन आर्मी का सपोर्ट रहा और अपने सीओ सर का सपोर्ट रहा, मुझे हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में कभी रोका नहीं, और उनने हमेशा मुझे मोटिवेट भी किया और हमेशा सपोर्ट भी किया है। आई एम सो थैंकफुल टू माई कमांडिंग ऑफिसर एंड जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल। और खासकर जो हमारी पहला जो मेरा कैंप शेड्यूल हुआ था 2023 में, जो कि साई की तरफ से सपोर्ट से था, टी ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ था, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करता हूँ, और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने अपना मौका बिना गवाए लेस देन 2 ईयर्स में मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया है। प्रेजेंटली मैं आर्मी में जूनियर कमिश्नर ऑफिसर हूँ। पहले मैं एज एन ओआर था, जो अदर रैंक था। आफ्टर दैट क्रोएशिया में मेडल सिल्वर इंडिविजुअल सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद मुझे आर्मी ने प्रमोट किया विद 2 बैक टू बैक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की साइटेशन भी मिली 1 साल के अंदर ही, और मुझे जूनियर कमिश्नर ऑफिसर भी बनाया गया। अगर शूटिंग की बात की जाए तो आप देखोगे प्रेजेंटली जो हमारे बहुत ज़्यादा जो मेरी इंस्पिरेशन भी रहे, अभिनव बिंद्रा सर रहे, जीतुराय सर रहे और विजय कुमार सर रहे, जो कि ओलंपिक मेडलिस्ट है। और सेम इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है अपने इंडिया में भी, और आप बाहर के देशों में भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। हर एक कंट्री बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, जितने भी मैंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेले हैं, हर कॉम्पिटिशन में नियर अबाउट 47 to 55 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, और हर कंट्री के तीन 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 एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाल ही में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है पूरे इंडिया में,
इस इवेंट में हर एक इवेंट में दो ही शूटर जो कि क्वालिफाई कर सकते हैं और उनमें से मैं एक हूं। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इस चीज को लेकर कि अपनी मेहनत लंग ला रही है। बट यहाँ पे सफर खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर अपनी कंट्री, अपने देश, अपनी आर्मी और अपने जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन करना है।